अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगी हेलुरोनिक एसिड के बारे में। हेलुरोनिक एसिड हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में नेचुरली तौर पर बनने वाला वो प्रोटीन है जो हमारी स्किन में ग्लो, हमारी स्किन में शाइन जो है वो बरकरार रखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी स्किन से हेलुरोनिक एसिड की जो मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाती है और हमारी स्किन से ग्लो और हमारी स्किन जो है वो डल नज़र आना शुरू हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक देती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी जो स्किन है वो डल होना शुरू हो जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी जो स्किन है उससे हेलुरोनिक एसिड की कमी होना शुरू हो जाती है, उसकी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है डल लगने लग जाती है। लेकिन खैर, आजकल मार्केट में हेलुरोनिक एसिड सीरम जो है बड़ी इजीली अवेलेबल है और ये हमारी स्किन को, अगर हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो डे बाय डे जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आना शुरू हो जाती है, हमारी स्किन में जो ग्लो है वो वापस आना शुरू हो जाता है। मार्केट में ये बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल है। रिवाज वालों का है, मैं जो यूज़ कर रही हूँ, रिवाज यूके वालों का 30 ml इसमें होता है। इसकी अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो ये 600 रुपये का मैंने बाज़ार से ख़रीदा था। मेरे डेली बेसिस रूटीन में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और अगर मैं इसको यूज़ करने के बारे में आपको बताऊँ तो यूज़ इसको आपने डायरेक्टली भी आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। खोल के मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसकी जो डिब्बी है वो कुछ इस तरह की है, ये देखें। और आपने क्या करना है, आपने इसके 1 या 2 ड्रॉप्स लेने हैं और आपने अपनी स्किन पे, अपनी स्किन के फेस के हिसाब से आपने जो है इसको अप्लाई करना है आपने, और सर्कुलर मोशन में आपने इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करके इसको, इसका मसाज करना है जेंटली। 1 या 2 मिनट आपने इसका मसाज करना है। ये एंटी रिंकल्स है, एंटी एजिंग है, आपकी स्किन से डलनेस ख़त्म कर देता है, आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स ख़त्म करता है, आपकी स्किन को शाइन करता है, आपकी स्किन में जो है वो ग्लोनेस जो है वो वापस लेके आता है और बेबी स्किन जो है वो आपकी लगना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो है डे बाय डे बड़ी खूबसूरत और जेंटल नज़र आना शुरू हो जाती है। खैर, अगर आप इसको डायरेक्टली भी अपने फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो नो इशू, आप इसे डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको रात में यूज़ करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो नाइट क्रीम है जो आप यूज़ कर रही हैं डेली बेसिस पे, उसको भी आप लगा के, पहले आप हेलुरोनिक एसिड अपने स्किन पे लगाएं, उसके बाद इसके ऊपर आप अपनी नाइट क्रीम जो भी आप यूज़ कर रही हैं वो अप्लाई कर लें और ओवरनाइट के लिए आप इसको छोड़ दें। आप कोशिश किया करें कि जो भी क्रीम या जो भी मॉइस्चराइज़र, जो भी लोशन आप अपने डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हैं अपनी स्किन के लिए, उसमें देख लिया करें कि हेलुरोनिक एसिड उसमें शामिल है या नहीं। क्योंकि जब हेलुरोनिक एसिड सीरम जो है आपकी क्रीम में, आपके लोशन में, आपके मॉइस्चराइज़र में नहीं होगा तो उस क्रीम का या लोशन का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको इतना फ़ायदा भी नहीं देगी। जिस क्रीम में, लोशन में, मॉइस्चराइज़र में हेलुरोनिक एसिड होगा आपकी स्किन उससे भी ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ फ़र्क आना शुरू हो जाएगा आपकी स्किन में। तो बाज़ार से बहुत आसानी से, बहुत सी कंपनीज़ के हैं, मैं रिवाज वालों का यूज़ करती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी का रिव्यू दे दूँ। इतना महंगा भी नहीं है, 600 रुपीज़ का है ये। आप, और अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेनिफिट्स इसके यही हैं कि आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स और आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है, स्किन को फ्रेश दिखाता है, छाइयाँ, पिगमेंटेशंस, फ्रेकल्स, इस तरह के जो मलाजमा जैसी बीमारियाँ हैं वो, और अगर पिंपल्स के निशान हैं, दानों के निशान हैं, दाने बन रहे हैं आपको, पिंपल्स बन रहे हैं आपको, तो आप ये इजीली टेंशन फ्री होकर यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको अपने फेस पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो और रात को अगर लगाना है तो इसके ऊपर आप अपनी नाइट क्रीम भी लगा सकते हो, ठीक है। और मेकअप भी अगर आप करना चाह कहीं किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तो मेकअप से पहले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका आप इसको यूज़ करने के बाद आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। बहुत महंगा नहीं है, 600 इसकी प्राइस है। और अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं तो रिवाज वालों का मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप रिवाज वालों का ही लें। और भी ब्रांड्स के होंगे लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं आपको उसी का ही रिव्यू दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।